जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं काइंडली वो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फ्री है उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको मार्केट के हवाले से खबरें मिलती रहें। दूसरी जो है वो मुझे काफ़ी लोगों ने ग्रुप में भी पूछा है और पर्सनली भी मुझे मैसेज किया है कि आपको भी मैसेज शेयर बताएं जो हम फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकें और इसमें हमारी अच्छी अर्निंग हो सके। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोग सब इससे मुस्तफीद हो सके। इसके लिए जो मैंने सेक्टर चूज़ किया है वो है सीमेंट सेक्टर। उसकी जो वजह है वो ये है कि सीमेंट सेक्टर गर्मियों में अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें गर्मी के अंदर जो गर्मियों का सीज़न आता है उसमें ये बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी देते हैं। डीजी खान सीमेंट है जी हमारा पहला स्क्रिप्ट। इसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त साल के तकरीबन लो के आसपास खड़ा है। अगर ये आपको मिलता है 70 से नीचे नीचे तो फिर आप इसको जो है ना एवरेज बाइंग शुरू करें। अगर आप मैं बार बार ये आप लोगों को मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको एवरेज बाय करें और इसको जो है ना कभी भी कोई भी शेयर जो है ना वो वन टाइम इसको शॉर्ट के साथ बाय ना करें, उसमें फिर आप फंस जाते हैं और फिर उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सीमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि इसमें आप फंसेंगे नहीं, इंशाल्लाह आप इसको प्रॉफिट आपको ये दे के जाएगा। नंबर वन पे डीजी खान सीमेंट, ये 71 पे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त साल के तकरीबन लो के आसपास खड़ा है। तो काइंडली जो है ना अगर 70 नीचे आता है तो आप इसको काइंडली जो लेके होल्ड कर लें कम अज़ कम 3 से 4 महीने के लिए। और अगर आप इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप ये देख सकते हैं कि मार्च से परफॉर्म करना शुरू कर रहा है और 137 के ऊपर है। तो उम्मीद तो ये कि मार्च के मिड से इसकी जो है ना इसके अंदर आपको एक रैली मिल सकती है और ये जो है 100 से ऊपर इंशाल्लाह ये आपको जो है ना वो मिलेगा और 100 से ऊपर ये आपको अच्छा जो है ना गेंद दे के जाएगा। और जहाँ पे आप देखें भाई ये आप थक गया है और आपको जो है ना रुक गया है ये शेयर, तो फिर उसको आप उस वक्त सेल आउट कर दें। लेकिन वो टाइम आप कम से कम 3 मंथ के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। इस वक्त ये तकरीबन सितंबर के महीने में अगस्त के एंड में सितंबर में आपको ये जो है जो ही आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि आपने कितना गेन किया है। तो उस जो है आप देख सितंबर में इसकी प्राइस गिर जाती हैं। देखें ये 96-100 से नीचे आना शुरू हुआ, फिर ये सर्दियों में इसकी एवरेज प्राइस यही निकलती है 100 से नीचे 70 के आसपास ये ट्रेड कर रहा होता है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल कीजिए ताकि आप लोग इसे आपके जो है ना फ्यूचर होल्डिंग के लिए है। ये 20 डे के लिए नहीं है, ये फ्यूचर होल्डिंग के लिए मैं आपको ये स्क्रिप्ट सारे बता रहा हूँ। उसके बाद ये पाइनियर सीमेंट, ये सिर्फ भी 72.973 पे ट्रेड कर रहा है और ये भी तकरीबन अपने ईयर के लो के आसपास ही है। 70 से नीचे आपको मिले तो उस वक्त आप इसकी एवरेज बाय कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह आपको मिलेगा 70 से नीचे। जो मार्केट के हालात जा रहे हैं नेक्स्ट वीक भी थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में आ सकता है, तो जो ही ये मार्केट इसको साल के लो के आसपास लेके आए तो आप इसकी एवरेज बाय कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एवरेज बाय करना है, एवरेज बाय करना है, वन टाइम इसको बाय नहीं करना। वन ईयर के आप देखें जनाब तो वन ईयर भी ये 132 के आसपास आपको मिलेगा मार्च से और ये मे बी मार्च के मिड से जो है ना ये परफॉर्म करना शुरू कर दे। सीमेंट सेक्टर सारे ही एक साथ परफॉर्म करेंगे और जो इसकी डिमांड आएगी और गर्मियों में डिमांड इसकी हाई हो जाती है जिसकी वजह से ये सीमेंट सेक्टर के जो है ना पे आउट भी अच्छे मिलते हैं और डिविडेंड भी इस सेक्टर देते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर एक रैली आपको मिलती है। तो जैसे ही ये देखें सितंबर में जाएगा तो ये 100 से नीचे आ जाना शुरू हो जाता है। ये जो सेक्टर है ना यहाँ से मार्च से लेकर अगस्त के एंड तक ये जो है ना आपका जो है वो है क्या उसको बोलते हैं कि इतना आपने होल्ड करना है तो तभी आपके अंदर आप इसको जो है ना वो इसको आप डबल पे सेल आउट कर सकेंगे। ये 72 पे है तो ये अगर आपको तकरीबन 130 के आसपास लेके जाएगा इंशाल्लाह तो आप उसको वहाँ पे इसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं मैंने कहा उनके लिए भी एक स्क्रिप्ट जो है ना वो निकाल लूं। तो हम हैं मैपल लीफ,
मैपल ही 32.83 पे ट्रेड कर रहा है और ये भी तकरीबन साल के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 30 के आसपास आपको मिले नीचे, यहाँ भी मिलता है वहाँ से इसकी एवरेज बाइंग शुरू करें, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जमा करना शुरू करें। लेकिन इसके अंदर ये डबल की उम्मीद तो ना रखिएगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको 15-16 रुपये का गेन दे जाएगा 3-4 महीनों के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ही मार्च आता है तो ये इसके अंदर ये 450 के आसपास इसकी प्राइसेस चली जाती हैं, और वही देखें सितंबर जो ही आता है तो ये फिर गिरना शुरू हो जाता है, तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखिएगा। उसके बाद ये लक्की सीमेंट जो है इस वक्त 633 पर ट्रेड कर रही है, भी तकरीबन साल के आसपास में थोड़ी सी मजीद गुंजाइश है नीचे जाने की, तो जहाँ भी आपको ये मिले 620 के आसपास वहाँ से इसकी एवरेज बाइंग करना शुरू करें। और इन जहाँ तक इसके ईयरली का सवाल है तो ईयरली में तो ये लास्ट ईयर 900 पर ट्रेड कर रहा था, और इंशाल्लाह ये अभी भी जो है ना ये इसके अंदर आपको रैली अच्छी रैली मिलेगी, और ये भी आपने अगस्त के एंड तक इसको आपने होल्ड करना है, या जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिले अगस्त के स्टार्ट में जुलाई के एंड में, जहाँ भी आप प्रॉफिट बुक करना चाहें अच्छी कीमत के ऊपर, जहाँ भी इसकी 900 प्लस प्राइस हो जाएगी आप इंशाल्लाह इसको सेल आउट कर दें, और उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। बाकी जो है ना वो एक और सी है कोहार्ट सीमेंट, इसको भी आप अपने इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कोहार्ट सीमेंट 169 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 170 पे ट्रेड कर रहा है और 150 इसका लो है, इससे थोड़ी सी मजीद जाने गिरने की गुंजाइश है। अगर ये आपको 160 से नीचे नीचे मिलना शुरू होता है तो उसको वहां पे इसकी एवरेज बाइंग करना शुरू करें। अगर आपको इसका एक साल का हाई लो देखना है तो ये देख सकते हैं कि ये 229 पे भी ये ट्रेड करता रहा है, और ये आपको 200 तकरीबन आप इसकी 200 से ऊपर 220 तक की इसकी आप अपना जहन बना के रखें, 220 215 जहाँ पे भी ये आपको ये प्राइस टच करें वहाँ पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा चले आपके 4-5 आपके स्क्रिप्ट बता दूँ ताकि इसमें छोटे इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, बड़े इन्वेस्टर जो होल्ड कर सकते हैं वो भी आ जाएंगे, और ये जो है ना लाजमी इस सीमेंट जो है गर्मियों के सीज़न में इस सीमेंट इंडस्ट्री को लाजमी जो है ना अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया करें, ताकि जो है ना आपको जो है एक अच्छी अर्निंग हो सके। तो बाकी तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर भी करें अपने में, और मेरी ये आरा है और मेरे ये थिंकिंग है इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, और इसके बारे में लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लाजमी ज्वाइन करिए ताकि आपको हमारी जो है अच्छी जो हमारी आ रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको हम अपडेट करते रहे मार्केट के हवाले से। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।